इसको हम कह सकते हैं प्रॉपर S11, सारा काम इसके अंदर A to Z हुआ है, हर सारा चीज, एसी क्लाइमेट छोड़ के। एसी क्लाइमेट छोड़ के बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो आज हम आए जयोटो रामा रोड चामुंडा, भैया हमारे साथ है। भैया क्या हाल है? बढ़िया भाई। तो अरे ये क्या है भाई, पुराने जमाने की गाड़ी कैसे दिखा रहे हो आज? पुराने जमाने की गाड़ी दिख रहा है तो भाई पुराने जमाने की तो है ये गाड़ी, के नंबर पहचान लो। अगली वीडियो में ये भी दिखने वाला है, जब बन के निकलेगा जब देखना क्या बन के निकलने वाला है। बट जो अभी दिखाने जा रहा हूँ ये गाड़ी है, देखो। अच्छा ये नए जमाने की, ये हाँ, हो गई पुराने जमाने की। इसको भी नए जमाने के बनाने वाले हैं, सेम ऐसी बना देंगे। बिल्कुल ऐसी, पक्का व्हाइट होगा। तो भाई ये वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, पर ये आएगी बाद में। तो भाई आप जिन भाइयों को देखनी है तो आप देख सकते हो। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं भाई गाड़ी हमारी, ये आई है UP 20। कहाँ से आई है गाड़ी? है बिजनौर से। बिजनौर के तरफ से अपना लिखा ही होगा यहाँ पे, बिजनौर से कहाँ? मुरादाबाद रोड बिजनौर, हाँ उसी साइड से। ये तो ये गाड़ी आप लोग देख सकते हो, इसको हम कह सकते हैं प्रॉपर S11, सारा काम इसके अंदर A to Z हुआ है, हर चीज। एसी क्लाइमेट छोड़ के, एसी क्लाइमेट छोड़ के जो होता नहीं वो चीज भी हम कर चुके हैं, पर हम छेड़ पंगे नहीं लेते उससे। नहीं, अब मना कर दिए। क्यों भाई, कोई बंदा कौन 50-60 हजार रुपए 70 हजार रुपए फूकेगा उस पे? यूजलेस चीज है वो, एसी तो चल रहा है ना। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं गाड़ी हम लोग फ्रंट प्रोफाइल से। सबसे पहले चमुंडा भाई बताओ इसके अंदर क्या क्या करा है तुमने? जो दिख रहा सबकी, तो ये सब इसके अंदर आता नहीं है। हाँ, बॉडी पेंट, हाँ फॉग लाइट, फॉग लाइट, DRL, हेडलाइट, ग्रिल, हेडलाइट, ग्रिल कंप्लीट है। तो हेड, ये हेडलाइट DRL आईब्रो वाली भी चलती है, हाँ। टॉप मॉडल वाली हेडलाइट है भाई, चला के दिखाता हूँ। ये देखो क्या बात है, फॉग लाइट में LED भी लगा रखी है, हेडलाइट में भी अपग्रेड कर रखी है। 170 वॉट की LED लगा हुआ है, DRL तो हमारा इग्निशन से चल ही रहा है, DRL जल गया। अब मैं आपको लो बीम और हाई बीम जला करके दिखाता हूँ कितनी परफॉर्मेंस इसकी तेज है। ये लो बीम हो गई, ये हाई बीम हो गई। अंकल जी के फेस पे पड़ रही है लाइट डायरेक्ट। बहुत तेज है भाई, डिपर बहुत बढ़िया है। इतनी लाइट के बीच में आपको पता भी नहीं, इतनी लाइट के बीच में आपको इतने तेज रिस्पॉन्स देखने को मिला, सोचा अंधेरे वाली रोड पे तो छा जाएगी गाड़ी। और इस गाड़ी का जो मेन लुक आता है ना, हेडलाइट DRL और DRL से ही आता है। ठीक है, अगर दोनों लगता है तो पता लगता है कि जो गाड़ी S11 है। अलग ही लुक आया था, ये तो फ्रंट प्रोफाइल में जो हो गया। अब साइड प्रोफाइल में अगर आते हैं तो इसके अंदर अलॉय व्हील हो गया, अलॉय व्हील महिंद्रा आ गए, महिंद्रा के प्रॉपर आ गया। बाकी अलॉय व्हील में और वैरायटी अवेलेबल है, जो आप चाहोगे सब आपको हम दे देंगे। बॉडी पेंट में हमारा साइड भी कंप्लीट आ जाता है, साइड वेंट भी आ जाता है, हैंडल भी आ जाता है हमारा, है बिल्कुल सिल्वर देख सकते हो, लेटर के साथ कंप्लीट है, इसमें कोई चार्ज अलग से नहीं लगता। बिल्कुल, आज एक कस्टमर कहते हैं रैप कर रखा है, ये गाड़ी देख के कह रहे रैप कर रखा है। मैं नहीं भाई, पेंट है हमारा। कह रहा नहीं भाई रैप है, शर्त लगा लो। हाँ। बहस कर रहे हैं, मैंने कहा भाई पेंट वर्क है, मतलब पेंट वर्क की क्वालिटी इतनी ज्यादा बढ़िया है कि भैया कहते रैप कर रखा है। बिल्कुल, अलॉय व्हील देख सकते हो आप, S11 वाली है। फुटरेस इन्होंने लगवा करके लाए थे पहले, फुटरेस लगवा के लाया था, वो गंदा भी हो रहा है, पुराना लग रहा है। पहले का लगो, ये हमारे पास लग जाता है, हमारे पास लग जाता है। महिंद्रा जनवरी सेम है, जहां से भी लगा महिंद्रा ओरिजिनल है, इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं है। ठीक है, साइड मिरर हमारा प्रॉपर लग गया, टॉप मॉडल वाले, इंडिकेटर वर्किंग हो गया इसके अंदर, इधर इंडिकेटर वर्किंग है, साथ में यहाँ पे भी मिलने वाला आपको। S11 में भी नहीं आता भाई इंडिकेटर का। हाँ, इसके अंदर से जहाँ पे डंडी से हम एडजस्टमेंट करते थे, वो डंडी हटा करके हमने बटन से एडजस्टमेंट कर दिया, यहाँ से बटन से वर्किंग हो जाता है। आपको अंदर चलेंगे तो अंदर दिखाएंगे आपको। डोर वाइजर लग करके आया था पहले, रूफ रेल आप देख सकते हो, रूफ रेल महिंद्रा जेन्युइन, और बस कॉस्टिंग आता 5500 रुपए, 5500 रुपए में, 5500 रुपए। साइड प्रोफाइल हमारा हो गया कम्प्लीट, अगर बैक प्रोफाइल में आता हूँ तो बिल्कुल ही अलग ही जहर लग रहा है। ये देख सकते हो भाई, हाँ पिलर लाइट, स्पॉइलर प्रॉपर देखो, स्पॉइलर की प्रॉपर फिटमेंट विद वर्किंग स्पॉइलर, डी फॉगर, वर्किंग स्पॉइलर, वर्किंग वाइपर, अब वर्किंग वाइपर नहीं, वाइपर भी होता है हमारा, स्पॉइलर भी वर्किंग होता है, वाटर स्प्रे के लिए, वाटर स्प्रे के लिए। इसमें हमारा ब्रेक लाइट लंबी वाली नहीं लगा, क्योंकि इनको प्रॉपर S11 रखना है, S11 रखना है, उसमें वाला ब्रेक लाइट हमने नहीं लगाया। बाकी देख सकते हो भाई आप, इसके अंदर डिफॉगर भी वर्किंग है, एक्टिव वर्किंग है, एक्टिव है। हमारा पिलर लाइट स्मोक और टेल लाइट स्मोक के साथ, नीचे का आप देख सकते हो रिफ्लेक्टर, ये भी स्मोक है। S11 बना करके दिया प्रॉपर, ये देखो कोई चार्ज नहीं लगता, हमारी तरफ से गिफ्ट में होता है, गिफ्ट में। मैं अब आपको दिखाता हूँ इसको पूरी वर्किंग कैसे होता है। जैसे हमने बंद कर दिए, अब ये चालू कर दिया, तो इसकी पूरी स्कैनिंग चेक करो, कितनी प्यारी लुक निकल के आ रहा है इसके, बढ़िया लग रहा है भाई। मेरे हिसाब से वो पर्सनली व्हाइट गाड़ी पे और ज्यादा खिल के दिखती है चीज, व्हाइट गाड़ी पे। हाँ बिल्कुल दिखती है, इसमें भी लगाना। इसके तो छोड़ ही देते, इसकी अलग वीडियो आएगी। हाँ प्रॉपर आ गया, रिफ्लेक्टर आ गया। अब मैं वाइपर एक्टिवेट करके दिखाता हूँ, ये वाइपर एक्टिवेट हो गया हमारा, स्प्रे करेंगे, देखो स्प्रे भी हो गया, पानी भी आ रहा है। और तो, ये देखो मैं ऑटो कट कर रहा हूँ तो प्रॉपर अपनी जगह पे जाकर रुक रहा है, मतलब जहाँ से चालू होगा वहीं बंद होगा, वहीं पे जाके बंद होगा, ये ऑटो कट फंक्शन होता है। ये मिलेगा आपको सिर्फ ऑटो पर, जय ऑटो पे मिलने वाला है।
अगर हम बैक साइड में आते हैं तो इधर हमारा पाइनियर ग्लोबल स्पीकर लग गया प्रॉपर फिट हैवी ए सीरीज वाले। हाँ ए सीरीज वाली भाई, ये क्या चीज है, रियर मैट पे भी ग्रास आ गई। नीचे की फ्लोरिंग की क्वालिटी देखो, पहले फ्लोरिंग की क्वालिटी जरूरत है, ये मैट के ऊपर ग्रास। फ्लोरिंग क्वालिटी देखो, मैट देखो, सीट कवर, सीट कवर देख लो, कोई भी आपको इतनी बारीकी से नहीं दिखाएगा। सीट कवर की फिटिंग देखो एक बार भाई, एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी लग रही है, मैट और ये सब, मतलब एक डिसेंट लुक आ रहा है गाड़ी के अंदर, अच्छा लुक आ रहा है ना। अबे बिल्कुल स्टैंडर्ड। अगर मैं इसको फोल्ड करता हूँ तो यहाँ पे क्लैंप दिखेगा आपको हर जगह, मगर यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा, कुछ भी क्लैंप दिख रहा आपको? नहीं भाई कुछ भी नहीं दिख रहा है, प्रॉपर अंदर फ्लैप के अंदर है। ये होता है ओरिजिनल काम, फिटिंग प्रॉपर, ये देख सकते हो ना प्रॉपर फिटमेंट, कहीं से भी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, ये होता है प्रॉपर काम। इसकी फिटिंग देख लो, अंदर दिखा दो मैं एक बार, आ जाओ बीच वाली बोल्ट देखो भाई, बीच वाली सीट, सीट बेल्ट की कटिंग देख लो, प्रॉपर फिटिंग देख लो, इसमें भी स्टिचिंग हो रखी है भाई। हाँ क्या बात है, ये देखो प्रॉपर फिटिंग देख लो, इधर सीट कवर की फिटिंग देख लो, ये सीट कवर की फिटिंग देख लो प्रॉपर। आप एक कस्टमाइज सीट है हमारा, हाँ ये हेडरेस्ट दिखाता हूँ भाई, ऐसा लग रहा है कंपनी से आए तो, ये तो लग ही नहीं रहा फिटमेंट हो गया आफ्टर मार्केट। क्या बात कर रहे हो यार, जेऑटो कंपनी से कम है क्या? ये भी बात बिल्कुल सही बोली भाई, जेऑटो कंपनी से कम है क्या? मतलब भाई डे बाय डे इंप्रूवमेंट आपको काम में, हमारे और ज्यादा स्किल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सीट कवर की फिटिंग आप लोग यहां पे देखो, गुलाई यहां पे देखो, एक चीज की कमी देखो है कुछ? हां बिल्कुल भाई प्रॉपर दे रखा है सीट कवर, तो भाई दिल खुश हो गया, मैं अपनी गाड़ी में लगवा के आया था, कहीं से मैं दोबारा जेऑटो से लगवाऊंगा खुद पर्सनली अपनी एक्सयूवी 500 में। हमारा कस्टमाइज सीट कवर होता है, इस सीट कवर के लिए स्पेशल आपको जेऑटो पे आना होगा। आप कहीं भी चले जाओ, कितना भी कोई कहता मैं कस्टमाइज सीट कवर करके दूंगा, नहीं दे पाएगा चैलेंज के साथ। जो ये सीट कवर मिलेगा आपको जेऑटो के अलावा कहीं नहीं मिलने वाला। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार बाहर। सबसे पहले हम अंदर आते हैं तो अंदर सबसे जरूरी जो चीज होता है डोर पैनल। प्रॉपर तरीके से डोर पैनल हमारा एक्टिवेट हो चुका है, देख सकते हो आप, प्रॉपर वर्किंग है। एक कमी रह गई भाई इसमें, क्या ये डोर रैप की? हाँ डोर रैप नहीं हुआ, डिमांड नहीं है ग्राहक की। हाँ यहाँ पे टूटर के जो सेस लगाया गया ना प्रॉपर एस लेवल वाली, इसमें कोई हमने सराउंड यूज नहीं किए, प्रॉपर एस लेवल वाला चाहिए था। यहाँ पे हमने टूटर पोर्ट यूज कर लिया अलग से। अब एंट्री करते हैं, हमारा यहाँ पे वेलकम लाइट दिख रहा है, मैट की फिनिशिंग देख सकते हो, सीट कवर, फ्रंट सीट कवर देखो आप, ये देखो भाई, मतलब फ्रंट में तो चार चांदी लग गए भाई, मजा आ गया। जो मेन क्वालिटी देखी जाती है मतलब भाई फ्रंट सीट कवर से ही आती है, मेन जो मजा आता है लुक देखने में फ्रंट सीट कवर से ही आता है। फ्रंट सीट कवर लगते तो गाड़ी के अंदर चार चांद लग गए, देख सकते हो भाई इसकी फिनिशिंग, फिट एंड फिनिशिंग पूरा प्रॉपर है भाई। ये देख लो स्टिचिंग, आर्मरेस्ट की फिनिशिंग, आर्मरेस्ट की फिनिशिंग देख लो, मतलब महिंद्रा वाले भी बोलेंगे कि भाई ये तो हेडरेस्ट देखो, हमने गलती से करके भूल गए क्या काम इस गाड़ी में, गलती से S11 दे दी आपको, S11 में भी ये चीज नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी सीट कवर, उसमें भी नहीं आते, बिल्कुल नहीं मिलने वाला आपको। पता क्या होता है, आप गाड़ी ले लेते हो 16-17 लाख रुपए गाड़ी ले लेते हो, बट 2-4-5 हजार रुपए बचाने के लिए आप कहीं इधर उधर से काम करवा लेते हो, कहते मैं 5 हजार रुपए बचा लिया, बट काम की क्वालिटी आप नहीं ले पाते हो। सबसे बड़ी बात है, मैं आप लोगों को बार बार यही चीज कहना चाहता हूँ कि आप लोग काम की क्वालिटी लो। अगर मैं आपसे 2-4-5 हजार रुपए फालतू लेता भी हूँ तो 5 हजार रुपए से ज्यादा का मैं काम करके देता हूँ, जो चीज मैं करके दे रहा हूँ आपको जिस रेट में, इस रेट में, इसे डबल पैसे लेने के बाद भी आपको कोई नहीं करके दे पाएगा, क्योंकि ये क्वालिटी किसी के पास होएगा ही। बिल्कुल भाई सही है, ये जो फिनिशिंग देख रहा हूँ, इसकी फिनिशिंग देख लो आप, स्टीयरिंग कवर की फिनिशिंग, बाकी अंदर आता हूँ दिखाता हूँ डीपली, ये देखो अंदर आ गए। आपने किसी के वीडियो तक में भी देख लेना, जो स्टिचिंग होता है ना इसकी, सिलाई की स्टिचिंग है, देखो ये स्टिचिंग देखो, ये जो स्टिचिंग देखते हो ना यहाँ पे, बड़ी ध्यान से दिखाओ स्टिचिंग, ये जो स्टिचिंग है ना इसकी स्टिचिंग, अब एक बार बोलना किसी के भी वीडियो में ध्यान से देखना, जो स्टिचिंग इतनी प्यार से कि स्टिचिंग तक नहीं करते हैं। मैं खुद देखता हूँ कि इतनी गंदी फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग होता है, ये यू के बीच जो पेंट होता है बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का होता है, ऐसे नहीं होता कि सामान हो ना ठीक ठीक है पर प्रॉपर तरीके से फिटमेंट नहीं हो पाता। ये जो हमारी रूफ लाइट की फिटिंग है प्रॉपर देख सकते हो, कहीं से गैप नहीं मिलने वाला, बंद करके दिखाते हैं कहीं से गैप नहीं मिलने वाला, ऐसा लग रहा है कंपनी से लग के आई है। सही है, आप कई जगह फिटिंग देखो वो यहाँ से फोम डाल रहा है, कहीं से कुछ डाल रहा है, यहाँ से फिनिशिंग का फर्क पड़ता है, बहुत चीज ऐसा होता है। एसी वेंट हमारा प्रॉपर तरीके से लग चुका है, देख सकते हो प्रॉपर तरीके से सब में लग गया। ये देखो भाई एसी वेंट लगते तो गाड़ी में और लुक आता है, मीटर लग गया इधर, मीटर लग गया ब्लू वाला, और देख सकते हो ना पूरा स्टीयरिंग, स्टीयरिंग मतलब ये जहाँ से आप बैठो ना भाई, इस व्यू को अगर आप लोग तो आपको लगेगा भाई ऐसी लेवल नहीं है गाड़ी, इस चीज को भूल जाओ। अगर डायमंड वाली डिस्प्ले डलवा लेते तो उससे ये भी कवर हो जाता है, बट वो कुछ ज्यादा बाहर लगता है। हाँ। इसकी क्वालिटी अलग, इसकी अलग क्वालिटी, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। देख सकते हो हमारी पूरी फ्रेम आ गया, प्रॉपर एस लेवल वाली फ्रेम आ गया हमारा स्क्रीन के साथ। हाँ। और ये एप्पल कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो वाली स्क्रीन है, नॉर्मल स्क्रीन भी नहीं है, स्क्रीन भी हमने हैवी लगाई है। स्क्रीन ऐसे अगर आप बाजार में लेते हो ना तो 3500 रुपए से शुरू हो जाता है। हाँ। अगर एक अच्छी स्क्रीन लेते हो
तो 7,000 रुपये से लेकर के अपना 15-17,000 रुपये की रेंज में आता है, बट क्वालिटी जो आता है 10-12,000 की रेंज में भी अच्छी आ जाता है, 8,000 में भी अच्छी आ जाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ले, रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। अब जैसे यहाँ पे हमारी बोतल होल्डर हम लगाई दी है, ठीक है, देख सकते हो। अब हम गाड़ी में बैठते हैं, सबसे बड़ी चीज होता है कि हमारे सामने जो व्यू है वो व्यू हमारे प्रॉपर S11 वाली लुक आना चाहिए। अगर इसको हम इग्नोर करते हैं तो हमारे को AC वेंट मीटर और स्टीयरिंग प्रॉपर लगने के बाद में कहीं से कोई कमी नहीं रहने। और इस गाड़ी के अंदर अगर हम बैठते हैं तो सीट कवर में बैठने के बाद जो इधर की हमारी जो दर्द होता है ना, यहाँ पे जो दर्द होता है, यहाँ पे बैठने के बाद यहाँ के एक मसाज कर जाता है, ये हमारा कवर कर जाता है। लोग ही कंप्लेंट रहते हैं कि भाई स्कॉर्पियो अनकंफर्टेबल है गाड़ी, और ये थाई हमारा एक कवर कर जाता है। जो सीट की फिनिशिंग है, गाड़ी बैठे के बाद एक लुक भी अच्छी लगना चाहिए। अब घर के इंटीरियर हम काम करवा लिए और बिल्कुल भद्दा सा इंटीरियर कर जाए तो घर में एंट्री करते थोड़ी सी मन खराब हो जाता है, उसी तरीके से हमारी गाड़ी है। बिल्कुल भाई, तो इसी तरीके से हमें एक एक चीज ध्यान से करना होता है। और ये चीज आपको करवाना हो तो आपको आना होगा जेटो पे, बड़े ध्यान से इस चीजों को आपको ध्यान रखना है। चलते हैं मेन कस्टमर के पास, उनसे बात करने। बाकी चुंडू भाई तुमने तो पूरी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बना दी, अगर मतलब जिन जो बंदे जिनके साथ फ्रॉड हो सकता है वो भी बच सकते हैं इस वीडियो को देखकर। मेरा मेन फोकस यही रहता है क्योंकि लोग घर से निकलता है जेटो से काम करवाने के लिए, वो कहीं और फंस जाता है, बाद में कहता है यार मेरे साथ गलत हुआ। तो मैं चाहता हूँ आप मेरे पास नहीं करवा रहे, कहीं भी करवा रहे हो तो गलत ना करवाओ, क्योंकि इस गाड़ी से मेरा ऐसा लगाओ कि इस गाड़ी में मैं गलत काम करता हूँ, हमारी दुकान में बाद में रिपेयर होने भी आता है तो हमें दिल दुखता है। बिल्कुल भाई, कई गाड़ी आती है उधर उधर काम कराकर हमारे पास ठीक हो जाता है। कीर्तिनगर के मेट्रो स्टेशन वहाँ पे जो मोतीनगर DLF के पास पड़ता है, हाँ। रामा रोड, ये हमारी करोलबाग मार्केट में नहीं है, करोलबाग मार्केट में मेरा एक दुकान और है, बट ये जो गैरेज आपको मिलेगा आपको यहाँ पे आने के लिए हमसे लोकेशन लेके आना होगा, या फिर आपको गूगल में जेटो रामा रोड इंडस्ट्रियल एरिया जो आएगा, हाँ। जेटो जैसे ही टाइप करोगे जेटो रामा रोड इंडस्ट्रियल एरिया वाला जो लोकेशन आएगा आप उस पे आ जाइए, या फिर हमसे लोकेशन ले लीजिए। बिल्कुल भाई, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको लोकेशन। तो बाकी चलते और भैया से बात। देख ली गाड़ी रेडी हो चुकी है, हमारे भैया लोग हैं, कहाँ से आए थे आप लोग? बिजनौर को। बिजनौर से आए थे आप लोग, तो मतलब कैसे पता लगा था आपको जेटो के बारे में? YouTube पे आपके YouTube देख के। अच्छा, मेरी वीडियो देख के आप लोग आए थे? आपकी वीडियो देख रहे थे, फिर गाड़ी बुक करी थी 6 महीने पहले, हाँ जी, वहीं लेके जाना है, 6 ऑटो पे लेके जाना है, हाँ जी, और फिर यहीं लेके आए। भैया काम अच्छा लगा, यहाँ पे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपने लोकेशन भेज दी थी उससे। बिल्कुल, जैसा आप YouTube पे देखकर आए थे काम वैसा ही मिला, सेम वैसा, कोई कमी पेशी मिली आपको? सीट कवर की क्वालिटी कैसा लगा? मस्त है, मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। तो आपका आना वसूल हो गया मतलब यहाँ पर? पूरा, पूरा। सारे भैया फैमिली पूरी बहुत खुश है, बहुत इन्होंने गाड़ी का काम बड़ी दिलचस्पी से कराया, और इसी तरीके से आप लोग को भी कराना होगा तो कहाँ आना होगा भाई? सबसे पहले मैं भैया से पूछना चाहता हूँ, अगर आपके दोस्त यार में कोई रिकमेंड करोगे आने के लिए? क्यों नहीं, एक गाड़ी और आएगी अभी मिलने वाले, उनकी गाड़ी यही आएगी। तो रेटिंग की बात करेंगे 10 में से कितना देना? 11 देंगे। 10 में से 11, क्या बात है, एक साल तो मिल गया भैया कुछ है। तो इसी तरीके से आप लोगों भी काम करवाना तो आप लोगों को आना होगा जेटो रामा रोड मोतीनगर DLF के पास, और इसी तरीके से काम करवा के जाइए। और मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि फ्रॉड से बचिए, बहुत आज के टाइम में बाजार में वीडियो आ रहा है, पर वीडियो देख करके मत जाओ, वीडियो की क्वालिटी देखो, वीडियो के अंदर आप फिनिशिंग देखो, वीडियो के एक बार आप जूम करके देखो, स्कीप कर करके बार बार देखोगे, वीडियो के अंदर जो सामान दिखा रहा है वो परफेक्ट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। जब वीडियो के अंदर ही प्रॉपर परफेक्ट नहीं दिखा सकता तो काम क्या परफेक्ट करेगा, ये चीज आप भी ध्यान दे के रखना, क्योंकि काम की क्वालिटी चाहिए हमें, पैसे की नहीं। बिल्कुल, अगर आपको मान लो 2-4 हजार में बच रहा है और काम की क्वालिटी भी डैमेज हो रहा है तो 2-4 हजार भी नहीं देखा जाता। इस चीजों के मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, क्योंकि आपको काम की क्वालिटी चाहिए तो आपको यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे मिलेगा आपको सोनू भैया और मैं मिलूंगा, आपको काम बिल्कुल आपके हिसाब से करके दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।